हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डू चैप्टर नंबर 20 नॉन फाइनाइट्स। नाउ स्टूडेंट्स, वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स एंड व्हाट आर इनफाइनाइट वर्ब्स। नाउ लेट्स ब्रेक द आइस, फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन देम। एज वी नो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, any word which is indicating an action is called a verb. Now go through this passage and try to identify the verbs here. Like it's 8:20 a.m. Mrs. John is sitting on the chair and reading a newspaper. तो यहाँ पर बच्चों sitting and reading दोनों actions हैं, तो ये आपके verbs हुए. She reads newspaper every day. Reads ये एक action है, तो ये भी आपका एक वर्ब हुआ। मिस्टर जॉन इज पोरिंग टी, क्या काम कर रहे हैं मिस्टर जॉन? टी पोर करने का काम कर रहे हैं। सो पोरिंग इज आल्सो योर वर्ब। ऐसे ही इस पैराग्राफ में आप ढूंढेंगे कि कौन सा एक्शन वर्ड्स है और उस बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे या पहचानेंगे कि क्या वो फाइनाइट वर्ब्स है या नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। Observe all the words above that you have underlined. आप पहले verbs को पहचानेंगे, उनको underline कीजिए. You will understand that there are some verbs that change their form at times. Based on that understanding, we divide verbs into two types. जैसे आपके paragraph में आपने देखा कि पहला sentence में Mrs. John is sitting on the chair and reading a newspaper. अब reading एक verb हुआ, वही वाला verb दूसरे सेंटेंस में शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे, रीड्स भी आपका वर्ब भी हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म में यूज हुए हैं। इसी फॉर्म को हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तौर पर। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर फाइनाइट्स। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर लिमिटेड बाय नंबर पर्सन एंड टेंस। मतलब जो वर्ब्स आपका डिपेंड करता है नंबर पर्सन एंड टेंस के ऊपर, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, या फिर वो वर्ब आपका हो रहा है कौन से टेंस में, फ्यूचर पास्ट या प्रेजेंट में, उस बेसिस पे जो वर्ब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। दे चेंज द फॉर्म इन करेस्पोंडेंस टू द टेंस वर्ब इन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। So, ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, आपका मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में, उसके सब्जेक्ट वर्ब और टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो चेंज होता है पैराग्राफ में। एग्जाम्पल, द बॉय वॉन्ट्स अ पेन, द बॉयज वॉन्ट पेन्स। अब इन दोनों में आपने क्या देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आई हैव टॉट यू द रूल इज A singular subject is followed by a singular verb. Second में देखिए, the boys want pens. Boys plural है, subject है, plural subject है, so followed by plural verb want. C देखिए, the boys wanted pens. The boy will want a pen. अब ये दो C and D है, ये आपका based है आपके tense के ऊपर. So the boys wanted pens मतलब ये past tense में है. The boy will want a pen, ये आपका future tense में, will want. I want a pen, ये जो want है, यहाँ पे आपका present tense में हो रहा है. तो students, ये जो word want है, जो verb है आपका, ये देखिए कैसे change हो रहा है, depending upon the subject. क्या subject आपका singular है या plural है? क्या आपका sentence में tense, कौन से tense में हम बात कर रहे हैं, उसके basis पे भी हम अपने वर्ब्स को चेंज करेंगे और इसी चेंज्ड वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। और इन सारे सेंटेंसेस में वांट्स वांट वांटेड वांट एंड वांट आर ऑल योर फाइनाइट वर्ब्स। नाउ इन द अबव सेंटेंस द वर्ब वांट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म विद द चेंज ऑफ नंबर पर्सन एंड टेंस, हेंस इट इज अ फाइनाइट वर्ब। तो आप ध्यान में क्या रखेंगे कि जो भी वर्ब आपका फॉर्म चेंज कर रहा है In relation to whether your subject is singular or plural, whether you're talking in
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस. ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट द वर्ब चेंजेस, देन इट इज अ फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट वी विल डू व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक टेंस, नंबर ऑफ पर्सन. नॉन फाइनाइट वर्ब में बच्चों वो वर्ब का ना ही कोई टेंस होता है, ना ही वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिलेटेड है, ना ही वो सिंगुलर या प्लूरल में रिलेटेड है, या ना ही वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को रिलेट करता है. जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, रॉनी ऑलवेज वांटेड टू सिंग. अब देखिए यहाँ पर टू सिंग जो है आपका वर्ब है, वो हुआ आपका नॉन फाइनाइट वर्ब. बी देखिए, ब्रोकन विंडोज, विंडो पेन्स वर रिप्लेस्ड. नाउ इन सेंटेंसेस ए एंड बी, टू सिंग एंड ब्रोकन आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट स्पेसिफाई अ टेंस और अ नंबर. नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स. नॉन फाइनाइट्स आपके कितने तरह के होते हैं? नॉन फाइनाइट स्टूडेंट्स आपके तीन तरह के होते हैं. दे आर योर सो इन नॉन फाइनाइट्स वी कैटेगराइज नॉन फाइनाइट वर्ब्स इनटू थ्री काइंड्स. दे आर योर इन्फिनिटिव्स, सेकंड इज जेरंड्स एंड थर्ड इज पार्टिसिपल्स. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर इन्फिनिटिव्स. इन्फिनेटिव जो होता है स्टूडेंट्स, इन्हें हम बेस वर्ब्स विद और विदाउट टू यूज करते हैं. ये जो टी ओ टू होता है इन्फिनेटिव में जब लगते हैं वर्ब्स में बेस वर्ब्स के साथ, दे आर कॉल्ड योर इन्फिनेटिव एंड ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन्स. एग्जाम्पल देखेंगे, आई ट्राइड टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस. अब बेस वर्ब फाइंड है और इसमें जुड़ा आपका टू, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव वाला नॉन फाइनाइट वर्ब. टू फाइंड इज एन इन्फिनिटिव. बी देखेंगे, वी हियर हिम शाउट. तो हियर भी जो है इज एन इन्फिनिटिव. हमने क्या पढ़ा, इन्फिनिटिव्स क्या है? दीज आर बेस वर्ब्स जिनके साथ हम टू लगा भी सकते हैं और लगा नहीं भी सकते हैं. ठीक है, तो उस बेसिस पे दो तरह के इन्फिनिटिव्स हुए. इन्फिनिटिव्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज. उन्हें एक हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव एंड दूसरा है इन्फिनिटिव पार्टिसिपल. अब बेयर इन्फिनिटिव क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव विदाउट टू. बेयर मतलब कुछ नहीं होना. अब यहाँ पे इन्फिनिटिव में हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं. तो जिस इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता है बेस वर्ब के साथ, उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव. The bare infinitive is used with verbs like see, hear, bid, let, make, need, dare, except when they're conjugated with do. Conjugated with do matlab derived from the verb do. Example, I saw him cry. Ab see ka kya ho gaya? Saw ho gaya. I heard her laughing. Hear ka ho gaya? Heard. Varun bade me farewell. बेड कहाँ से आता है? कौन से वर्ब से आता है? बिड से आता है, बी आई डी. ही बिड मी फेयरवेल. वरुण बेड मी फेयरवेल. ओके, नेक्स्ट ये जो बेयर इन्फिनिटिव्स है, पहले तो हमने देखा कि ये इन सब वर्ब्स के साथ जुड़ते हैं. दूसरा, ये सब मोडाल वर्ब्स के साथ भी जुड़ते हैं, विद कैन या कुड, विल या वुड, शैल या शुड, मे या माइट एंड मस्ट. यू कैन गो नाउ. अब गो आपका जो वर्ड है, ये जुड़ के आपका मोडाल वर्ब कैन के साथ. इन सब केसेस में भी हम पेयर इन्फिनिटिव्स यूज करते हैं. ही शुड गो देयर. गो आपका बेस वर्ब है और इसके साथ जुड़ा आपका मोडाल वर्ब शुड. मोडाल वर्ब्स के चैप्टर को रेफर कीजिए टू रिफ्रेश योर मेमोरी, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर मोडाल वर्ब्स. यू कैन सी माय वीडियो ऑन मोडाल वर्ब्स आल्सो. शौर्य विल पे द फी. अब पे जो हुआ आपका बेस वर्ब है, उसमें जुड़ा मोडाल वर्ब विल. सो ऐसे जब बेस वर्ब के साथ हम मोडाल वर्ब्स जोड़ते हैं तो भी ये हमारा नॉन फाइनाइट्स होते हैं और ये होते हैं हमारे इन्फिनिटिव्स होते हैं. एंड बेसिकली इन्फिनिटिव्स
बेयर इन्फिनिटिव्स के नीचे आता है. नाउ विथ एक्सप्रेशंस लाइक हैड बेटर, रादर देन, वुड रादर. एग्जाम्पल देखेंगे, यू हैड बेटर आस्क हर फॉर प्राइस. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो आस्क है आपका बेस वर्ब है. अब इस बेस वर्ब के साथ अगर ये वर्ड जुड़ा हैड बेटर, ये एक एक्सप्रेशन है. आई वुड डाई रादर देन बेग. अब बेग आपका बेस वर्ब है एंड इससे पहले ये एक एक्सप्रेशन जुड़ा, आई वुड डाई रादर देन बेग. सी आई वुड रादर स्टे एट अ हॉस्टल. आई वुड रादर स्टे आपका है बेस वर्ब, उससे पहले लगा वुड रादर. सो इन सब एक्सप्रेशंस के साथ भी आपका बेयर इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं. इट मे फॉलो एक्सेप्ट एंड बट. फॉलो मतलब एक्सेप्ट एंड बट के बाद ये वर्ब्स बेयर इन्फिनिटिव जो होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं आते हैं. एग्जाम्पल क्या है, शशांक डज नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेन. यामिनी डिड नथिंग बट क्राई. अब देखिए ये जो वर्ड एक्सेप्ट एंड बट के बाद जो वर्ब्स आए कंप्लेन एंड क्राई, ये आपके बेयर इन्फिनिटिव्स हुआ. अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये नॉन फाइनाइट बेयर इन्फिनिटिव्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन में आए आइडेंटिफाई द वर्ब वेदर इट इज फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब. पहले आप सेंटेंस को देखते ही आई सॉ हिम क्राई जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इसमें ना ही वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका वर्ब सॉ, ना ही वो आपका पर्सन या टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है. सो नेक्स्ट आपने इसको आइडेंटिफाई किया नॉन फाइनाइट है. अब नॉन फाइनाइट कितने तरह के हैं, तीन तरह के हैं. क्या क्या है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड. अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये आपका इन्फिनिटिव है या जेरंड है या पार्टिसिपल है. ये किस बेसिस पे होता है, ये जो सारे रूल्स मैंने हाईलाइट किए हैं इस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये इन्फिनिटिव है या नहीं. और अगर इन्फिनिटिव है कौन सा इन्फिनिटिव है, वेदर इट इज विद टू और विदाउट टू. अगर विदाउट टू है तो बेयर इन्फिनिटिव है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल रीड. तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज क्या देखा कि इन्फिनिटिव जो है उसको हम अगर टू ऐड करते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इन्फिनिटिव बनता है. एंड इन्फिनिटिव्स विदाउट टू आर यूज्ड आफ्टर मोडल वर्ब्स. मोडल वर्ब्स आपके क्या है, जैसे आपके कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ विद क्वेश्चंस डिनोटिंग suggestions or advice and beginning with why and why not. Example, why make such silence over a serious matter? Why don't you work like your brother? ठीक है, ऐसे सब questions जिसमें why and why not भी आते हैं, जो denote करते हैं either एक suggestion, सुझाव या advice, कोई आपको एक अच्छा एडवाइस दे रहा है. ऐसे सब सेंटेंसेस में जो इन्फिनिटिव वर्ब होता है वो आपका बेयर इन्फिनिटिव होता है. जैसे यहाँ पे वाई मेक, वाई डोंट यू वर्क, ये आपका हुआ बेयर इन्फिनिटिव. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट इन्फिनिटिव पार्टिसिपल. दीज आर द इन्फिनिटिव्स दैट कैरी टू बिफोर टेन. ठीक है, अब हमने पढ़ा इन्फिनिटिव्स जो दो तरह के हैं, एक बेयर इन्फिनिटिव और दूसरा इन्फिनिटिव पार्टिसिपल. जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो बेस फॉर्म के साथ टू नहीं होता है. बेयर मीन्स विदाउट. इन्फिनिटिव पार्टिसिपल उसमें वर्ब के पहले टू जुड़ता है. सो ये कौन कौन से फॉर्म में जुड़ता है, एज अ नाउन जुड़ता है, एज एन एडजेक्टिव जुड़ता है, एज एन एडवर्ब जुड़ता है, या तो टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, या तो इनफ प्लस इन्फिनिटिव. ये पांच केसेस में आपके टू के साथ जुड़ता है इन्फिनिटिव बनने के लिए. एग्जाम्पल देखेंगे, एज अ नाउन का टू प्ले विद फायर इज वेरी रिस्की. ये आपका सब्जेक्ट है, टू प्ले विद फायर. टू स्पीक इफेक्टिवली नीड्स मच प्रैक्टिस, दिस इज ऑल्सो यूज एज अ सब्जेक्ट. टू स्पीक, ही डज नॉट लाइक टू प्ले चेस. अब इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, ही तो सब्जेक्ट हो गया आपका,
ठीक है, बट ही डज नॉट लाइक टू प्ले। अब प्ले हो गया आपका वर्ब। अब अगर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे चेस है, तो हमारा टू जुड़ता है यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट। बट बी में देखिए और ए में देखिए, ये हम जनरली स्पीक कर रहे हैं किसी के बारे में विदाउट मेंशनिंग द सब्जेक्ट, बट इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। टू प्ले विथ फायर इज वेरी रिस्की। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है वही आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट को बता रहा है कि अंडरस्टूड है कि ये हम सबके लिए बोल रहे हैं जनरली कि आपके साथ खेलना बहुत रिस्की होता है। नेक्स्ट एज एडजेक्टिव्स टू क्वालिफाई नाउन्स, एग्जाम्पल इट इज अ डे टू मेमोराइज, टू मेमोराइज क्वालिफाइज डे। ठीक है, as adverb to modify verbs and adjectives, example they come to the park to get fresh air modifies the verb come, they come to the park, kahan jaate hain, to the park jaate hain, theek hai, to as an adverb, adverb kya kaam karta hai, wo modify karta hai ya aur bhi behtareen karta hai aapke verbs and adjectives ko samjhane mein। रणधीर इज हार्ड टू प्लीज, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है हार्ड, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है टू प्लीज। टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, इट इज टू इजी टू डू, जहां पर ऐसे टू वर्ड्स आते हैं उसके बाद हम जोड़ते हैं इन्फिनिटिव विथ टू। ध्रुव इज टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये छोटे छोटे चीजें आप अगर याद कर लेंगे, जो ये ग्रीन में हाईलाइटेड है, वो आप अपने आप हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो आपका टू के साथ जुड़ेगा या टू के बिना लगेगा इन्फिनेटिव बनकर। इनफ प्लस इन्फिनेटिव, सिंह इज काइंड इनफ टू अटेंड द पेशेंट। देखिए काइंड इनफ, इनफ वर्ड जब लगेगा तो वहां पर आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अटेंड में टू जुड़ता है टू मेक इट अ इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। अब इस बेसिस पे हम करेंगे आपका ट्राई आउट वन। ही फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स, इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म्स आपके दो तरह के हैं, एक है बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा है इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। अब जहां पर विदाउट टू लगता है उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, और जहां पर विथ टू लगता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब उसे हम इन्फिनेटिव पार्टिसिपल बोलते हैं। उस बेसिस पे आइए ये एक्सरसाइज करते हैं। नंबर वन, ही इज प्रिपेयर्ड डैश प्रपोजल हिज स्ट्रैटेजी टू द एमडी। आप देखिए ही इज प्रिपेयर्ड टू प्रपोज होगा हिज स्ट्रैटेजी टू द एमडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमडी जो है उसको हिज स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी जो हुआ आपका, इट इज क्वालिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर योर एडजेक्टिव। ही इज प्रिपेयर्ड टू प्रपोज हिज स्ट्रैटेजी, एक ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रपोज कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी प्रपोज कर रहा है। सो ये यहाँ पर आपका लगा टू प्रपोज। नेक्स्ट, He was excited dash having the documents in his control. अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब लगेगा उसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? हाँ है, डॉक्यूमेंट्स है। ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया। He was excited to have the documents in his control. जहां पर भी base form of the verb के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट वाले में स्ट्रेटेजी है, तो वहां पर आपका जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग जो हैव है उसके साथ जुड़ेगा टू। आई कैन डैश स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे आई कैन टू स्पीक होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा था, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब जहां पर मोडल वर्ब्स आएंगे तो उनको फॉलो करता हुआ जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा उसमें TO2 नहीं जुड़ेगा। सो यहाँ पर होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट नंबर फोर, मे वी कम इन। क्यों? क्योंकि मे जो है आपका मोडल वर्ब है, ठीक है, इसके साथ TO2 नहीं जुड़ता है, सो मे वी कम इन। नंबर फाइव, ही वॉज अनफिट टू डू द जॉब। अनफिट क्या काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो डिस्क्राइब कर रहा है हमारा सब्जेक्ट ही कैसे है। तो ऐसे केसेस में हम डू, जो हमारा बेस फॉर्म होगा उसका डू, उसके साथ हम टीओ टू जोड़ के ही वॉज अनफिट टू डू द जॉब करेंगे।
हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या हो रहा है बेस फॉर्म के साथ, क्या उसके साथ उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है या उसको फॉलो करते हुए उससे पहले एक मोडल वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उस बेसिस पर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट, ही कैन नॉट डैश सॉ द ट्रूथ ऑफ लाइट, ही कैन नॉट सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बिकॉज कैन नॉट आपका मोडल वर्ब है। You must stay at home. You must भी आपका modal verb हुआ, इसलिए यहाँ पर stay जो है base form उसमें TO नहीं जुड़ेगा। We were ready to explain that action. We were ready, ये जो adverb है, ready is your adverb, therefore it will be followed by the infinitive of the base form with TO. ठीक है, तो इस basis पे आप ये एक्सरसाइज करेंगे रूल्स के बेसिस पे। फाइंड द इन्फिनिटिव एंड जेरंड इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। अभी हमने जेरंड पढ़ा नहीं है, बट यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते सारे इन्फिनिटिव्स को। टू सेल ये आपका हुआ इन्फिनिटिव। सेकेंड वी विल रीड, सेकेंड नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपका है जेरंड। अ जेरंड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच हैज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज अ नाउन। इट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट होना जरूरी है क्योंकि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, तो ये काम आपका करता है जेरंड। वॉकिंग ब्रिस्कली इन द पार्क इज यूजफुल, तो यहाँ पर ये जो वॉकिंग वाला वर्ब हुआ आपका, ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो चल रहा है। सो द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वॉकिंग ब्रिस्कली इन द पार्क इज यूजफुल, जो हमें समझाता है कि यह जो काम वॉकिंग है ये करता है आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किरण एंड दीप्ति एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसका एक्शन किसी तीसरे चीज पे पता चलता है। यहाँ पर लिसनिंग जो आपका वर्ब है उसका असर या हमें बता रहा है म्यूजिक, क्या सुनना पसंद है उसको, म्यूजिक सुनना पसंद है। सो किरण एंड दीप्ति एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, या एज अ ऑब्जेक्ट म्यूजिक जो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब लिसन का हुआ। नेक्स्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन क्या है, जो पोजिशन बताते हैं। हेमंत वॉज अवॉर्डेड फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड, फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड। आफ्टर सर्टन वर्ब्स लाइक अंडरस्टैंड, एडमिट, सजेस्ट, अवॉइड, स्टॉप, कंसिडर, रिस्क, डीले, रिकलेक्ट, डिनाई, प्रिवेंट, एंजॉय, एक्सक्यूज, पार्डन, फिनिश एक्सेट्रा, हमारे क्या लगते हैं, जेरंड्स लगते हैं। आई स्टॉप्ड वर्किंग एज आई फेल्ट टायर्ड। आई अवॉइड वॉचिंग क्राइम रिलेटेड सीरियल ऑन टीवी। अब जेरंड्स हम कैसे यूज करते हैं, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। बाइंग फिएट वॉज अ बिग मिस्टेक फॉर मारुति। अब फिएट जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन सब केसेस में जेरंड लगेगा, आपका बेस फॉर्म जो है बाय वो लगेगा जेरंड फॉर्म में। बाइंग फिएट वाज अ बिग मिस्टेक फॉर मारुति। एज द ऑब्जेक्ट आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, मोस्ट पीपल एंजॉय ड्राइविंग। ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट आफ्टर सर्टेन वर्ब्स मतलब ये जो एंजॉय है आपका वर्ब है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। After certain verbs was prepositions. I look forward to hearing from you soon. After certain adjectives plus preposition. He is not very good at managing children. After certain nouns plus prepositions. We'll have no difficulty in selling the product. After verbs of perception, action going on. I saw him walking down the road towards the... So in sub cases, mein jahan par ing laga, buying, driving, drive plus ing, driving, year plus ing, hearing, manage plus ing, managing, sell plus ing, selling, walk plus ing, walking, ये सब verbs आपके क्या हुए, gerunds हुए। Try out two, you will fill in your own options, you will do it on your own. Next we will go over to three, the participle.
तो पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव क्या था, वर्बल नाउन था. पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज पार्टली एन एडवर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव. ये आधा आपका एडवर्ब है और आधा आपका एडजेक्टिव है. इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. इस एडजेक्टिव वर्ब पे आप ध्यान दीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो पार्टिसिपल है आपका क्या करता है. सो फर्स्ट we will get present participle. It is formed by adding ing to the base form. Priyanshu has seen the player carrying the ball. Uses of present participle as an adjective, as a subject complement, as an object complement. Now let us do tryout 3. Fill in the blanks with present participles to complete the statements. You should be straightforward. Your statement should not be confused. अब देखिए present participle में हमने present participle जब भी use करते हैं ing form of the base verb लगता है. So it will be confusing. The kind old man fed the limp dog. Fed the limping dog. Number 3. Don't speak anything that is insult. That is insulting. अब participle जो है student हमने पढ़ा था is a verbal adjective. क्योंकि ये partly हमारा adverb का काम करता है and partly हमारा adjective का काम करता है. Present participle जो है जब हम ing जोड़ते हैं base verb को तब उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं. ठीक है. सो हिज वे ऑफ टॉकिंग इज क्वाइट डैश इंटरेस्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. यहां पर हम इंटरेस्टिंग जो वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसे हम एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. जो हमारे यूजर्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल है एज एन एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और टू रिप्लेस द रिलेटिव क्लॉज, ये चारों चीजें हैं. इन चारों चीजों में से कैसे हमारा पार्टिसिपल बिहेव कर रहा है उस बेसिस पे हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं. सो हिज वे ऑफ टॉकिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. प्लीज गिव मी अ हेल्पिंग हैंड. Interaction with your grandpa was a delightful experience. I find his words encouraging. It's not good to keep anyone waiting. Wait ka waiting. Encourage, encouraging. Present participle humne kya padha? Base form of verb plus ing. Next, the past participle. In the above examples, we saw that while present participle denotes incomplete action which is going on, past participle denotes a completed action. Present participle denote कर रहा है एक action या हमें एक action बता रहा है जो अभी चल रहा है. वो action अभी complete हुआ नहीं है. But past participle मतलब वो एक complete action है. वो हो चुका है. So third form of the verb is called past participle, जो कि end करता है आपका ed में या फिर d में या फिर t में. EN or some other third form of the verbs. Examples, I had delayed ya fir postponed the trip due to fog. B, he has finished his work in. Ab yahan par dekhiye students, delay jo aapka base form of verb hai usme ed juda aur postpone jo aapka base form of verb hai usme d juda. To ye ho gaya aapke past participle form of the verbs. He has finished his work in time. ये जो है finish, उसमें ed जोड़ दिया तो past participle हो गया. आप देखेंगे uses of past participle same है जैसे present participle का है, वैसे past participle को भी कुछ तरीकों से हम use करते हैं. As an adjective, the wounded soldier reached home. अब soldier कैसा था वो describe करता है the adjective wounded. As an adjective complement, Ashima felt delighted. It is an adjective complement. As an object complement, I found the door closed. What did I find? Object door closed. So, yahan par ye hua wound se wounded, delight se delighted, closed se closed. So, jahan par bhi ed ya d juda, wo ho gaya aapka past participle of your verb.
Now, the past participle may follow the noun or pronoun it qualifies. Did you calculate the number of answer sheets marked? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मार्क का मार्क है. सो ये क्वालिफाई कर रहा है आपके आंसर शीट्स को या डिस्क्राइब कर रहा है. द प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैविंग बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल. हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, आईएनजी जुड़ता है. पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, उसमें ईडी डी टी ये सब जुड़ते हैं बेस फॉर्म में. परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? अगर हमने पास्ट पार्टिसिपल के पहले जो हमारा ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे पहले हैविंग वर्ड लगाया तो वो हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच वाज कंप्लीट एट सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट में किसी टाइम पे वो एक्शन खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है. एग्जाम्पल्स, हैविंग प्रिवेंटेड ही कुड नॉट एंटर. हैविंग बीन प्रिवेंटेड होगा, ये हैविंग प्रिवेंटेड इज रॉन्ग ग्रामर. हैविंग बीन प्रिवेंटेड. Having bought the shirt, he came out of the showroom. Use of the perfect participle. आप देखिए यहाँ पे prevent हो गया आपका prevented जो आपका past participle. उससे पहले अगर हम word having जोड़ते हैं तो वो क्या हो गया आपका perfect participle. Buy का जो base form है वो bought is the past participle. ठीक है, अब इससे पहले अगर हमने having जोड़ा तो वो हो गया आपका perfect participle. ऐसे identify करेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी जुड़ता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. पास्ट पार्टिसिपल ईडी या फिर डी या फिर टी जुड़ता है आपके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, जहां पर भी द वर्ड परफेक्ट आता है वहां पे आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस में हैविंग शब्द होगा और वो जुड़ता है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पास्ट टेंस में होता है, जहां पर ईडी डी या टी जुड़ता है उससे पहले आता है हैविंग. तो हम वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है. यूजेस ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल. इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस वन व्हेन वन एक्शन इज फॉलोड बाय अनदर विद द सेम ऑब्जेक्ट. हैविंग मेट हर अर्लियर आई रिकॉग्नाइज्ड हर. हैविंग मेट, ठीक है, मेट है, मीट का आपका हो गया मेट पास्ट टेंस. मैंने क्या बोला, पास्ट पार्टिसिपल एंड्स विद आइदर ईडी डी और टी. सो मीट का हो गया मेट एंड उससे पहले हुआ हैविंग. सो ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. और ये हम यूज कैसे कर सकते हैं, जब हम एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दो बार बात कर रहे हैं. हैविंग मेट हर अर्लियर आई रिकॉग्नाइज्ड हर. यहाँ पे हर एंड हर सेम सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. Having sat in the class, I spoke to my friend. Sit का हो गया sat और उससे पहले having हुआ, तो ये sentence हमारा कौन सा sentence हुआ? Perfect participle. Having sat in the class, I spoke to my friend. Try out four. Our guests arrived. अच्छा, इसमें आपको combine करना है following pairs of sentences using participles. वो आपका present participle हो सकता है, past participle हो सकता है या perfect पार्टिसिपल हो सकता है. आ गेस्ट अराइव्ड, दे वर एकम्पनीड बाय द चीफ गेस्ट. दो सेंटेंसेस है, हमें इन्हें जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है पार्टिसिपल्स यूज करके. आर गेस्ट अराइव्ड एकम्पनीड बाय द चीफ गेस्ट. ठीक है, एकम्पनीड जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एंड यहां पर हम अपने सब्जेक्ट गेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. Two, we felt satisfaction for helping the patient. We gave him fruits. Having given fruits to the patient, we felt satisfaction for helping him. Third, having raised his hands, he said bye-bye to his friend. आपके sentences दोनों हैं. He raised his hands. He said bye-bye to his friend. Having raised his hands, he said bye-bye to his friend. Fourth है, the boys heard the bell, they left the playground. Having heard the bell, the boys left the playground. Number five, she got injured in an accident. It made difficult for her to talk. Having got injured in an accident made it difficult for her to talk.
ये जो हैविंग रेज्ड, हैविंग हर्ड एंड हैविंग गॉट इंजर्ड है, ये आपके पास्ट, सॉरी ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल है. क्यों? क्योंकि रेज से हुआ रेज्ड और उससे पहले हैविंग है, हियर से हुआ हर्ड उससे पहले हैविंग है, इंजर्ड से हुआ गॉट इंजर्ड उसके पहले हैविंग है. तो ये सारे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के पहले हैविंग वर्ड है, इसीलिए ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब्स है. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू द एंड ऑफ योर नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स चैप्टर. इफ यू लाइक माई चैनल स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन बटन या फिर बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं. इफ यू लाइक माई चैनल स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक. थैंक यू.